तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ और एक न्यू एडिटिंग का वीडियो लेके। तो आज के वीडियो पे हम लोग स्त्री मूवी का जो पार्ट टू का जो पोस्टर है ऑफिशियल, आप लोग जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो, तो इसी पोस्टर को हम लोग रिक्रिएट करेंगे और अपने फ़ोटो के साथ मतलब कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं कितना बेहतर होता है। आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक देखते रहना वीडियो को, क्योंकि हमारा चैनल का रीच जो है वो थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो आप लोग सपोर्ट दिखाएं थोड़ा सा। और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करना, क्योंकि मैं वहाँ पे हर रोज़ न्यू पोस्ट ऐड करता हूँ, डालता रहता हूँ मैं, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोगों को। और इस मतलब पोस्टर को बनाने के लिए मैंने जितने भी बैकग्राउंड और पीएनजी का यूज़ करूँगा, तो सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा हूँ, तो वहाँ से जाकर आसानी से आप लोग डाउनलोड कर लेना। और बिना टाइम के फटाफट से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पिक्सार्ट को ओपन कर लेंगे और इस वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग ऐड फोटो पे चलेंगे और हमारा खुद का मॉडल का जो पीएनजी है उसको ऐड कर लेते हैं और ठीक से मतलब एडजस्ट कर लेते हैं अपने फ़ोटो के हिसाब से। तो अभी रहने देते हैं फ़ोटो को, यहाँ पे ठीक ठाक लग रहा है। तो अभी हम लोग ऐड फोटो चलते हैं और एक पीएनजी मैंने बना के रखा है उसको ऐड कर लेते हैं और इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। अब फुल स्क्रीन करने के बाद हमारा फ़ोटो जो है वो अंदर के तरह मतलब चला गया, अच्छा भी लग रहा है दिखने में। और एक बार ऐड फोटो चलेंगे और एक पीएनजी है उसको ऐड कर लेते हैं, ये मतलब साइड पर ग्लो देने के लिए। इसको भी फुल स्क्रीन कर देना तो अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा, सिर्फ अपने खुद का जो इमेज है उसको ठीक से हम लोग मतलब साइज को कन्वर्ट कर लेते हैं ठीक से। तो बहुत टाइम से छेड़छाड़ करने के बाद हमारा जो फोटो है वो भी ठीक ठाक लग रहा है, तो यहाँ से डन कर लेते हैं। और हमारा पिक्सार्ट जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ से सेव करके लाइटरूम पे चलते हैं। Thank you.
तो सभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा जो फाइनल पोस्टर है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। तो पोस्टर आपको लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास पर जो बेल वाला आइकन है उसको ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं हर रोज़ न्यू पोस्ट डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।